हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं, मैं उनके लिए पहले वीडियो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया करूंगा। मतलब जो भी वीडियो आने वाली रहेगी, पहले मैं उसे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दे करूंगा तुम लोगों के लिए। तो तुम लोग कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, ठीक है? और हाँ, जल्द से जल्द 100K करवाओ। अब कितना ज़्यादा रुकोगे, क्योंकि अब बस थोड़े से ही सब्सक्राइबर्स बाकी है। जल्दी करो, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब तो बता। कहानी की शुरुआत होती है ऐश से, जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। असल में एक लड़की को बचाते बचाते ये टपक चुका रहता है। तब एक फेरी को दिखाया जाता है जिसने हमारे ऐश की जान बचा ली रहती है। अब आगे हमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ऐश यहाँ पर सपना देख रहा होता है। एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है जिसका नाम नैवी रहता है, मगर वो देखता है कि ये क्या, ये सब तो बस एक सपना रहता है और कुछ भी नहीं। तब हम देख रहे होते हैं कि कैसे वो अपने अकेडमी में जाता है जिसका नाम ड्रैगनार अकेडमी रहता है, जो किंगडम लार्ड रैमपोर्ट में लोकेटेड रहता है। यहाँ के स्टूडेंट्स के पास ड्रैगन रहता है, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि हमारे एस के पास ड्रैगन नहीं रहता है, सबके पास रहता है। और जो इनका कंट्री रहता है वो एक दूसरे रूलर के अंडर में काम किया करता है, मतलब दूसरे रूलर के अंडर में रहता है, जो जीपुस एम्पायर रहता है नॉर्थ में। और फिर आगे हमें ये भी बताया जा रहा होता है कि कैसे यहाँ पर मैजिक्स सारे चीज रहते हैं। एस के पास ही बस ड्रैगन नहीं रहता है, लेकिन बाकी सभी लोग के पास यहाँ पर ड्रैगन रहता है। सब लोग अपना सोसाइटी में जिन्हें स्टेटस दिखाना रहता है, वो दिखाते हैं कि उनका ड्रैगन कितना ज़्यादा दमदार है। तो यहाँ पर एकेडमी में ड्रैगन राइडिंग कॉम्पिटिशन होने वाला रहता है और ये मैंडेटरी रहता है। सो सारे स्टूडेंट्स इसमें जाने वाले रहते हैं, और इनके हाथ में जो आप टैटू देख सकते हैं, ये उनके ड्रैगन से कॉन्ट्रैक्ट रहता है। हालांकि जिसका जो ड्रैगन रहता है वही सिर्फ राइड कर सकता है, और कोई भी राइड नहीं कर सकता है इन ड्रैगन सिवाय हमारे ऐश के, क्योंकि वो अपने दोस्त का ड्रैगन राइड करता था। और इसके अलावा वो दूसरे लोगों के ड्रैगन्स को भी राइड करता था, यानी उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था, जो कि एक स्पेशल बात रहती है, क्योंकि हर कोई दूसरे ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकता था। सो आगे हमें बताया जाता है कैसे आज स्कूल में होने वाला रहता है ड्रैगन रेस कॉम्पिटिशन, जो कि रबिका करवारी होती है। ये एक थर्ड ईयर स्टूडेंट रहती है। इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा सुंदर भी रहती है, और यहाँ स्कूल में इसे सबसे ताकतवर ड्रैगन राइडिंग मिस्टीरियो माना जाता है, मतलब पूरे अकेडमी में, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस भी रहती है। आगे हमें ये दिखाया जा रहा होता है कैसे जो ऐश रहता है वो अपने दोस्त का ड्रैगन ले लेता है और यहाँ पर राइड करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उससे वो ड्रैगन कंट्रोल नहीं होता है और वो प्रिंसेस के ड्रैगन से जाके टकरा जाता है। तो यहाँ पर प्रिंसेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ऐश को मार देती है। तो ऐश यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो प्रिंसेस रहती है, लेकिन उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो भी बोल देता है। तब प्रिंसेस कह रही होती है कि ठीक है, आने वाले कॉम्पिटिशन में अगर तुम मुझसे हार जाते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, और यहाँ पर वो उसे खूब जलील कर रही होती है और ये भी मान चुका रहता है। तब रात में हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे इसे बार बार वही सपना आ रहा होता है, नेवी का इसे सपना आ रहा होता है कि वो यहाँ पर ये लोग इंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन वो कह रही होती है कि आज ये आखिरी बार है, इसके बाद तुम फिर कभी भी इंजॉय नहीं कर पाओगी, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाली हूँ। तो ये बात सुनकर वो तो चुप रहता है, लेकिन अब यहाँ पर रेस का दिन आ चुका रहता है। रेस यहाँ पर शुरू हो चुकी रहती है, और हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो प्रिंसेस और उसकी टीममेट रहती है यहाँ पर दोनों एकदम आगे निकल रहे होते हैं। धीरे धीरे कर यहाँ पर वो लोग सबसे आगे निकल रहे होते हैं और कोई भी नहीं रोक पा रहा होता है। वो लोग तो उड़ के जा रहे होते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ पर जो ऐश रहता है वो रोड के रास्ते से ही जा रहा होता है, क्योंकि उसके पास तो खुद का ड्रैगन रहता नहीं है, तो वो रास्ता भूल चुका रहता है प्रिंसेस का। अब सोचता है कि चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ और ढूंढता हूँ यहाँ पर क्या है। तभी कुछ आवाजें सुनाई जाती है और हम देखते हैं कि वो आवाज के पीछे जाता है। फिर ऐसे भागते भागते वो जा रहा होता है और फाइनली वो देखता है कि एक प्लेन रहता है जो कि बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो चुका था। उस प्लेन के ऊपर एक आदमी रहता है मास्क पहन और उसके पास हथियार भी रहता है। तो ऐश पूछता है कि तुम एम्पायर से हो क्या? वो बंदा मना तो नहीं करता है, लेकिन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। पता नहीं ऐश से क्या दुश्मनी रहती है इसकी, लेकिन कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो ऐश पे हमला कर देता है, और फिर यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो आ चुकी रहती है। ऐश भागने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की आ चुकी रहती है इसके आगे में, मगर यहाँ पासा पलट चुका रहता है। वो लड़की अचानक से क्लिफ से गिरने वाली रहती है, मगर ऐश उससे बचा तो लेता है, लेकिन वही लड़की उसे वापस से गिरा डालती है। ऐश सोच रहा होता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर तब तक उसका टैटू ग्लो कर जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका ड्रैगन तो नहीं निकलता है, बल्कि एक छोटी सी लड़की निकलती है जो बिल्कुल नेवी की तरह रहती है, और उसे याद आ रहा होता है उसका चेहरा। यहाँ पर ऐश सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या है, और वो सोई रहती है। अचानक से हम देखते हैं कि कैसे उस लड़की की आंख खुल चुकी रहती है, और वो जैसे ही ऐश को देखती है मारती है उसे एक जोरदार पंच, वो सीधे पानी में जाके गिर जाता है। ऐश की ड्रैगन उससे कंट्रोल नहीं होना चाहती थी, बल्कि वही ऐश को कंट्रोल करना चाहती थी। हालांकि ये तो एकदम उल्टा हो जाएगा, मास्टर को ही कंट्रोल करेगी। अब ये लोग रात में आ चुके रहते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैसे ऐश सो रहा होता है, लेकिन अचानक से जो उसकी ड्रैगन रहती है वो आ जाती है और उसे इधर उधर काटना शुरू कर चुकी रहती है, ताकि उसे कंफर्टेबल फील महसूस हो सके। अब आगे हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे सुबह रविका आती है, जो कि देखकर ये लोग हैरान हो चुके रहते हैं कि एक लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। हालांकि रविका हैरान नहीं रहती है, और जो उसका साथी रहता है वो देखता है इतने सारे हिक्कीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं ऐश, और फिर रविका देख रही होती है कि कैसे वहाँ पर एक लड़की रहती है, लेकिन वो हैरान नहीं होती है क्योंकि उसे पता रहता है कि उसकी ड्रैगन है। तब वो लोग उसे थोड़े बहुत कपड़े पहनाते हैं, और फिर अब यहाँ से ऐश का शुरू हो जाता है। वो कह रही होती है कि तुम्हें प्रोफेसर को जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि वो ड्रैगन के एक्सपर्ट है। और यहाँ पर अब वो अपने ड्रैगन को लेके आ चुका रहता है बाहर में, उसे थोड़ा शॉपिंग
वॉपिंग करा रहा होता है, सभी लोग उसे ही देख रहे होते क्योंकि वो क्यूट सी लग रही होती है, साथ ही साथ काफी ज्यादा प्यारी भी रहती है। और फिर वो उसे बर्गर भी खिलाता है, लेकिन बर्गर खिलाने के बाद अचानक से इसे कुछ हो चुका रहता है। हमें दिखाया जाता है बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही होती है, यहाँ पर ये इतना अजीब व्यवहार कर रही होती है कि सब लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्या हो रहा है। ऐस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तब तक प्रिंसेस आ चुकी रहती है और वो बता रही होती है कि बेवकूफ कहीं के ड्रैगन्स का खाना अलग रहता है, तुमने उसे बर्गर खिला दिया जो उसके लिए बिल्कुल किसी उसे चढ़ गई रहती है, मतलब पूरा चढ़ गया रहता है। नॉर्मल खाना ड्रैगन्स के लिए बिल्कुल नहीं रहता, उसे चढ़ जाता है। और फिर वो जोर से छींकती है, जहां पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस का स्कर्ट बहुत ही जोर से ऊपर चला जाता है और जो ऐश रहता है बहुत ही बड़ा ठरकी रहता है, तो वो तो देख ही लेगा। तब वो मारती उसे एक जोरदार पंच और फिर उसे बता रही होती है कि देखो तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आगे वो उसे पूरा सलाह दे रही होती है कि देखो तुम्हें अपने ड्रैगन का ख्याल रखना चाहिए, कैसे ख्याल रखना है और कैसे नहीं रखना है। सो वो वहां पर पूरा उसे शॉपिंग करा रहा होता है अपने ड्रैगन को, और पूरा ये लोग मजे कर रहे होते हैं दिन भर। अब पूरा एकदम मजा कर लेने के बाद दिखाया जाता है कैसे जो ड्रैगन रहती है वो कह रही होती है कि ठीक है अब मुझे टॉयलेट जाना है, बहुत जोर से लगा, और वो इसे इको नाम देता है। सो अब इसका नाम इको रहता है। तो हम देखते हैं कि कैसे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका रहता है। तो जो इको रहती है उसे आई रहती है बहुत जोर की टॉयलेट, और वो चली जाती है टॉयलेट में, लेकिन काफी लंबा वक्त हो जाता है वो अभी तक आई नहीं रहती। ऐश को चिंता हो रही होती है कि क्या हो गया है उसे, कहीं वो लोग उसे किडनैप करके तो नहीं ना ले गए। तब तक प्रिंसेस आ जाती है और कह रही होती है कि वो तुम्हारी ड्रैगन है और तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इनका ड्रैगन कहीं चला जाए तो ये लोग पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये पावर का इस्तेमाल करता है और बटरफ्लाइज आ जाती है जो बताएंगे कि इको कहाँ पर है। सीन कट होता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कैसे किसी और ने इको को किडनैप नहीं किया रहता है, ये तो प्रोफेसर रहती है जो ड्रैगनार एकेडमी में ही पढ़ाया करती थी। हालांकि प्रोफेसर बहुत अच्छी तरीके जानती थी कि उसे एकेडमी से तो ये काम मिलने नहीं वाला है, और यहाँ जब इको मना कर रही होती है तब वो नाइफ भी निकाल लेती है और फिर बाकी सब भी यहाँ पर आ चुके रहते हैं। प्रोफेसर उनसे कह रही होती है कि मुझे उसके ऊपर टेस्ट करना है क्योंकि ये ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो ऐश रहता है वो मना कर रहा होता है नहीं करने के लिए टेस्ट। और प्रोफेसर अच्छी तरीके जानती थी कि उन्हें एकेडमी में तो ये सब करने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो इसे बाहर लेके आ चुकी रहती है। अब यहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था, लेकिन ये तीन स्टूडेंट रहते तो हैं मगर प्रोफेसर ताकतवर रहती है, वो तो इन तीनों को ही बेहोश कर डालती है। और इससे पहले कि ऐश बेहोश हो सा इको उसका नाम जोर से पुकारती और कह रही होती कि अगर तुम बेहोश हुए तो तुम बेवकूफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग रहता है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और हमारा ऐश यहाँ पर बेहोश नहीं होता, वो वापस से उठ खड़ा रहता है और वो कह रहा होता है तुम ठीक तो ना, लेकिन वो उसके चेहरे पर पंच मार देती है उल्टा ही। अब यहाँ पर स्कूल में हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे ये पता चलता है कि ये तो इन्हीं की टीचर होने वाली है, सब एकदम गड़बड़ हो चुका रहता है। और यहाँ पर जो सिल्विया रहती है यानी प्रिंसेस, इसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है हमारे एस से, क्योंकि एस हर टाइप के ड्रैगन को राइड कर सकता था मगर ये सिर्फ एक ही टाइप के ड्रैगन को राइड कर सकती थी जो कि इसी का ड्रैगन रहता है, इसलिए इसे हर टाइप के ड्रैगन को राइड करना रहता है भले किसी का भी रहे। और सोच रही होती कि मैं ड्रैगन कॉम्पिटिशन जीतूंगी, सबसे ताकतवर बन जाऊंगी, सबसे ज्यादा ताकतवर, यानी ड्रैगन आर्क। और उसके बाद इसे बहुत ही चाहत रहती है कि मैं दूसरे ड्रैगन्स को भी राइड करूं, तब ये फैसला करती है कि हाँ चलो मैं दूसरे ड्रैगन्स को राइड करूंगी, इसके बाद ही मैं ताकतवर बनूंगी। तब ये कह रही होती है अपने सैनिकों से कि जाओ ड्रैगन लेके आओ। तो यहाँ पर ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका रहता है, सभी लोग देख रहे होते हैं कि ये क्या, यहाँ तो ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा है। ये लोग भी खिड़की से देख रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। रेबिका बताती है ऐश को कि प्रिंसेस तुमसे जलती है, वो कहता है कि ऐसा क्यों, उसके पास तो सब कुछ है। तब वो बता रही होती है क्योंकि तुम हर टाइप के ड्रैगन को राइड कर सकते हो और प्रिंसेस तुमसे पीछे नहीं हटना चाहती है। हालांकि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब हमें रेबिका की पावर को दिखाया जाता है, यहाँ पर अपने आर्क को एक्टिवेट कर लेती है जिससे हम देखते हैं कि सूट आ जाता है और वो हरा देती है ड्रैगन को। हालांकि सिल्विया उसे शुक्रिया नहीं कहती है, वो तो उसे अपना अपोनेंट ही मान लेती है। और दूसरी तरफ हमें ऐश और साथ ही साथ इको को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर इको कहती है कि आखिर वो स्टैचू किस लिए है और वो किस काम का है। तब वो बता रहा होता है स्टैचू के बारे में, साथ ही साथ ये भी बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरा आर्क बनना पड़ेगा, आर्क मतलब मेरा प्यारा सा ड्रैगन जिसपे मैं राइड कर सकूं। लेकिन वो कह रही होती कि मैं तुम्हारा कोई पालतू सा ड्रैगन नहीं बनने वाली हूं जिसपे तुम सिर्फ राइड करोगे, समझे, तुम क्यों नहीं बन जाते हो मेरे पालतू। यहाँ पर दोनों के बीच में पूरा बात हो रहा होता है और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो देख के हैरान रहती है कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी ऊपर से मैंने उस बंदे को धक्का दिया था, आखिर ये जिंदा कैसे है। तब जाकर अपने दोस्त को बता रही होती है कि कैसे वो अभी तक जिंदा है, मगर इसका जो दोस्त रहता है इनका कुछ अलग ही प्लान रहता है, इनका प्लान बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रहता है। ये तो पूरे शहर को ही उड़ाने की फिराक में रहते हैं और फिर इसका दोस्त एक फैसला लेता है कि मैं पुराने ड्रैगन्स को जिंदा करूंगा, मतलब नेक्रोमेंसर वाली एबिलिटी, और नेक्रोमेंसर की एबिलिटी रहती है कि मुर्दों को जिंदा कर डालता है। तो जो मुर्दा ड्रैगन रहता है यहाँ पर हम देखते हैं कैसे जिंदा हो चुका रहता है और शहर में हमला करने के लिए आ गया रहता है। तो जो प्रिंसेस सिल्विया और रेबिका रहती है बाकी सभी लोग इससे लड़ रहे होते हैं, मगर ये जो ड्रैगन रहता है काफी ज्यादा खतरनाक रहता है, ऐसे ही नहीं जीत सकते थे। रेबिका की तो हालत ही खराब हो चुकी रहती है, इको भी जाती है उससे लड़ने के लिए, लेकिन वो ड्रैगन तो इको को ही निगल लेता है और रेबिका ही यहाँ पर लास्ट में बची हुई रहती है। तो ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है उस ड्रैगन को हराने के लिए, मगर उतना ज्यादा काफी नहीं रहता है क्योंकि वो रिजेनरेट कर ले रहा होता है बार बार। और फिर
फिर हम दिखाया जाता है कैसे वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम प्रिंसेस को यहाँ से निकाल दो, क्योंकि प्रिंसेस फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, लेकिन प्रिंसेस तो यहाँ पर कहीं और ही खो चुकी रहती है, डर गई रहती है। तब जो हमारा ऐश रहता है उसे कहता है कि बाहर आओ, होश में आओ, और जब वो होश में नहीं आती तब उसे एक जोरदार चाटा मारता और कह रहा होता है कि होश में आओ, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन जो ड्रैगन रहता है वो इको को पूरी तरीके से निगल चुका रहता है और वो रेबिका को कह रहा होता है कुछ ना कुछ करने के लिए, हालांकि रेबिका भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी। अब सिल्विया एक्शन में आ गई रहती है। अब इधर हमें पेट के अंदर दिखाया जाता है ड्रैगन का, जहाँ पर नेवी से मिलती है इको। तो नेवी उसे बता रही होती है कि देखो तुम किस तरीके से हमारे ऐश की मदद कर सकती हो, तुम उसका आर्क बन सकती हो, आर्क मतलब तुम्हारी पावर, तुम अपनी पावर हमारे ऐश को दे सकती हो। हालांकि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं ये काम कर सकती तो मैं ही कर देती, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से ऐश को कितना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, वो सारी बातें बता रही होती है इसे। लेकिन यहाँ पर इको कह रही होती कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मगर नेवी उसे बता रही होती कि नहीं तुम कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल भरी बात नहीं है, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, या फिर तुम पहले खुद को ताकतवर बनाओ उसके बाद ऐश को। तुम देखते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका रहता है और ये अपने सूट में आ गया रहता है, यानी आर्क, इसे आर्क कहा जाता है। और फिर आता है बहुत ही जोरदार हमला, उसने ड्रैगन को हरा दिया था। अब यहाँ पर सीन कट होता है, हमें ये दिखाया जाता है कैसे दोनों देख रहे होते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनका प्लान तो फेल हो चुका रहता है। ऐना कह रही होती कि हमारा प्लान बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो चुका है, लेकिन वो मास्क वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब इसके बाद और भी ज्यादा दमदार प्लान होने वाला है, तो ये लोग वहां से चले जाते हैं। अब सुबह में हमें दिखाया जाता है कि कैसे रेबिका कह रही होती है कि तुम दोनों स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन क्यों नहीं करते हो, ये यहाँ पर कह रही होती है हमारे ऐश और साथ ही साथ सिल्विया से। और फिर ग्रीटिंग्स होता है, जहाँ पर इको को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर ये किस तरीके की ग्रीटिंग है और मुझे छोड़कर वहाँ उससे किस ले रहे हो। तब देती है जोरदार खाने पीने का बहुत ही जोरदार मुक्का, उसे मार रही होती और वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसकी ड्रैगन रहती है। फिर यहाँ पर इनका मीटिंग होता है, आगे हमें ये दिखाया जा रहा होता है सिल्विया के बचपन को, जहाँ पर उस एक लड़के से मिलती है और ये जंगल में रहता है, तो यहाँ पर वो शायद उसका सपना रहता है, जहाँ पर वो याद कर रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हार चुकी रहती है, क्योंकि एक बेबी ड्रैगन यहाँ पर इसके पास रहता है जो अंडे में रहता है और उसकी मदर को इसे ढूंढना रहता है, तो ये उसकी मदर को ढूंढने जा रही होती है, लेकिन ये अकेली रहती है जंगल में और काफ़ी डरी हुई रहती है। तभी एक बंदा आता है और वो कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेती हो, लेकिन फिर हमारी सिल्विया कहती है कि नहीं मुझे इसे इसकी मदर के पास पहुंचाना है। और फिर उस दिन वो बंदा उससे कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भले इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना लगानी पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा इस बच्चे को इसकी मदर से मिलवाने के लिए। और यहाँ पर सिल्विया को याद आ रहा होता है कैसे इसने वादा किया है, लेकिन वो बंदा कोई और नहीं, हमारा ऐश ही रहता है। और ये टेडी बियर आप देख सकते हैं ऐश के पास अभी भी रहता है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता है कि आखिर किसका है ये टेडी बियर, कहाँ से आया मेरे पास। अब आगे इधर हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे यहाँ स्कूल में सारा सीन हो चुका रहता है। तो अब यहाँ पर स्कूल के नए नए काउंसिल मेंबर से मिलवाने का वक्त आ चुका रहता है, हालांकि सब लोग अपना स्पीच तो देते हैं, लेकिन जब इको अपना स्पीच देती है तो सभी लोग हंसने लगते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो चिल्लाने लगती है। फिर आगे इन्हें यह भी पता चल रहा होता है कि कैसे जो हमारा ऐश है, जिसने सिल्वर नाइट वाला ड्रेस पहना था इको के वजह से, इको के आर्क की वजह से, उसका एक फैन क्लब बन चुका रहता है, और ये फैन क्लब किसी और ने नहीं बल्कि रेबिका की बहन ने बनाया हुआ रहता है। अब इधर आगे हमें बताया जाता है कैसे ये रेबिका की बहन रहती है और बता रही होती है, इसका नाम जेसिका रहता है, तो जेसिका कह रही होती है कि मुझे उस सिल्वर नाइट का पता जानना है कि आखिर वो कौन है। हालांकि ये लोग जानते थे कि सिल्वर नाइट कौन है, लेकिन बोलते नहीं है, क्योंकि जो जेसिका रहती है वो उससे शादी करना चाहती थी। कह रही होती कि वैसे भी चल के आगे में ताकतवर बनने वाला है, और फिर मैंने अगर उससे शादी कर ली तो मैं भी ताकतवर बन जाऊंगी, मतलब नोबल फैमिली में हमारा स्टेटस और भी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बचकानी बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन किसी को पता ही नहीं रहता है कि हमारा ऐशी वो सिल्वर नाइट है, और जिन्हें पता रहता है वो लोग तो इसे बताते भी नहीं है। फिर यहाँ पर क्लास में यही सब भगदड़ पूरा मच रहा होता है कि कौन है सिल्वर नाइट, कौन सिल्वर नाइट नहीं है, सभी लोग चुप रहते हैं, और जेसिका एकदम फैन क्लब बना चुकी रहती है, पूरा एकदम फैन क्लब चल रहा होता है हमारे सिल्वर नाइट पे। आगे इधर हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे ये कह रही होती है मुझे माफ़ करना, वो थोड़ी सी पागल है, सिल्वर नाइट को लेके पागल हो चुकी रहती है। तब हमें दिखाया जाता है ऐना को, जो यहाँ पे ढूंढ रही होती है कि आखिर वो सिल्वर नाइट है कौन, हालांकि इसका ये काम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसके मास्टर ने इसे कहा रहता है, तो इसे ढूंढना रहता है कि आखिर वो बच्चा कौन है जो सिल्वर नाइट बना था और हमारे प्लान पे पानी फेर गया था। तो इधर दूसरी तरफ अब आगे ये बता रही होती है कैसे आगे इन्हें और भी आगे काम करना है। साथ ही साथ रेबिका ये भी बोल रही होती है, प्रिंसेस के बारे में बता रही होती है, प्रिंसेस वेरोनिका, जो हमारी वेरोनिका रहती है वो सिल्विया की बड़ी बहन रहती है। सो यहाँ पर सिल्विया को उसका नाम सुनते ही डर लग रहा होता है, क्योंकि जो वेरोनिका रहती है उसने सिल्विया को ट्रेन करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी, हालांकि ये सारी बातें उन्हें किसी और से पता चलती है, कैसे उसने एक ड्रैगन ला दिया रहता है और फिर सिल्विया को कहती है कि जाओ जाकर उस ड्रैगन को मारो, लेकिन सिल्विया उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर चुकी रहती है, और उस दिन से सिल्विया अपनी बड़ी बहन वेरोनिका से बहुत ही ज़्यादा डरती है। वेरोनिका उसकी भलाई के लिए ये सब कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर सारा मामला एकदम उल्टा हो गया रहता है, और जो हमारी सिल्विया रहती है वो सोच रही होती है कि मैं
ताकतवर बनूंगी। तो अगले दिन वेरोनिका आने वाली रहती है और सिल्विया को याद आ रहा होता है कि कैसे उसने उस बंदे से वादा किया कि मैं ताकतवर जरूर बनूंगी और एक अच्छा ड्रैगन आर्क बनूंगी, तो मैं वेरोनिका का सामना जरूर करूंगी। लेकिन जब वेरोनिका यहाँ पर आने वाली रहती है तभी इसकी एकदम हालत खराब हो चुकी रहती है और फिर हम देखते हैं कि ऐसे सिल्विया निकल चुकी रहती है और इधर वेरोनिका आ रही होती है। तो जो वेरोनिका रहती है वो बहुत ही तगड़ी रहती है क्योंकि प्रिंसेस भी रहती है और साथ ही साथ काफी ताकतवर भी रहती है। तो आ चुकी रहती है यहाँ पर सिल्विया, हालांकि सिल्विया उसे कोई जवाब नहीं देती। तब वेरोनिका को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर उसकी छोटी बहन ऐसा क्यों कर रही है। तब वो जोरदार हमला करती है और फिर इसे पता चल चुका रहता है कि ये असली सिल्विया बिल्कुल भी नहीं है। तो वो पूछ रही होती कि बताओ कौन हो तुम, तो सिल्विया उसके सामने झुक चुकी रहती है और हमें पता चलता है कि ये कोई और है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर सब एकदम हैरान हो चुके रहते हैं क्योंकि जो हमारी असली सिल्विया रहती है वो अब यहाँ पर आ चुकी रहती है और कह रही होती है कि मुझे माफ़ करना। वेरोनिका उसे कह रही होती है मुझे पता था कि मेरी बहन मेरे सामने कभी भी ऐसा नहीं करने वाली है, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो, तुम एक नाइट बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो और ड्रैगनार बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुमने हमारी फैमिली को निराश कर दिया है। वो उसे बहुत कुछ कहती है, कहती है कि तुम घर पर ही क्यों नहीं बैठ जाती हो, तुम्हें तो अकेडमी में भी आने का कोई भी हक नहीं है। फिर पूरा एकदम बेइज्जती कर रही होती है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें देखकर ऐश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो बंदा जो वेरोनिका का नाइट रहता है उसे रोक देता है। हालांकि ऐश को देखते ही वो समझ चुकी रहती है कि यही सिल्वर नाइट रहता है, इसलिए वो कहती है कि तुम्हें तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। और फिर ऐश कह रहा होता है कि तुम लोग दोनों रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आखिर तुम लोग अपने भाई बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या रॉयल्स ऐसा व्यवहार करते हैं अपने फैमिली के साथ। हालांकि वेरोनिका उसे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि वही सिल्वर नाइट है, इसलिए वो आदेश देती है अपने बंदे को कि जाओ इसे लेके जाओ। अगले सीन में हमें एक मेड को दिखाया जाता है जो कहती है ऐश को कि चलो मैं तुम्हें वेरोनिका के पास लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ना आ रहे होते हैं और फिर ये भी यहाँ पर आ चुका रहता है वेरोनिका के पास। हालांकि वेरोनिका को पूरा शक रहता है कि पक्का कोई दूसरे किंगडम से है जो कि इनके ऊपर हमला करना चाहता है और एक है जो वेरोनिका की जान के पीछे भी पड़ चुकी रहती है। लेकिन यहाँ पर वेरोनिका के पास कुछ ज्यादा सबूत नहीं रहते हैं, इसीलिए साथ ही साथ वो हमारी सिल्विया को कह रही होती है कि तुम्हारे पास एक मैरिज प्रपोजल आया होगा, मतलब बहुत सारे मैरिज प्रपोजल है और मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो, नाइट के लिए तो एकदम तुम फेल हो चुकी हो, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम अब शादी कर लो और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करो ताकि और भी ज़्यादा आगे परिवार आगे बढ़ सके। और यहाँ पर उसे पूरा खड़ी खोटी सुना रही होती है, लेकिन ऐश कह रहा होता है कि नहीं तुम्हें कैसे पता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो लड़ाई हुई थी अगर उसमें ये हमारे साथ नहीं रहती तो पता नहीं हम लोग उस मैच को जीत भी नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर जो वेरोनिका रहती है कह रही होती है कि नहीं मुझे साफ साफ पता है कि जो सिल्विया है वो किसी काम की भी नहीं है और तुम इसकी साइड पर बिल्कुल भी मत लो क्योंकि आगे में अभी बहुत कुछ होने वाला है और इतने सारे खतरनाक खतरनाक चीज़ जो होने वाले हैं इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये सर्वाइव भी कर पाएगी, इसलिए बढ़िया उसके पास मैरिज प्रपोजल रहता है। और वेरोनिका साथ ही साथ ये भी कह रही होती है कि जिससे सिल्विया शादी करने वाली है उसका ही एक भाई है या फिर कोई दूर का रिश्तेदार है, उससे भी मेरी शादी फिक्स हो चुकी रहती है, तो इसीलिए अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और बोल रही होती है कि ठीक है अगर तुम्हें अपनी पावर को साबित करना है तो मुझे दिखाओ दिखाओ कि तुम कितनी ज़्यादा ताकतवर हो। सिल्विया यहाँ स्कूल के सबसे ताकतवर ड्रैगन से लड़ रही होती है जो कि रेबिका का ड्रैगन रहता है, लेकिन यहाँ पर सिल्विया तो उसके सामने टिक ही नहीं पाती है और बहुत ही बुरी तरीके से हार चुकी रहती है। ये देखकर ऐश तुरंत ही जाता है उसकी मदद करने के लिए। अब यहाँ पर सीन कट हो चुका रहता है, आता है ग्लेन उसके कमरे में और बोल रहा होता है कि आपने रॉयल फैमिली का नाम एकदम बदनाम कर दिया है, इसलिए अब से आपको एकेडमी में कल नहीं जाना है, आपको कल जाना है टेम्पल में और वहाँ पर रॉयल फैमिली के लिए मांगनी है क्योंकि आपके वैसे नाम बहुत ही बदनाम हो चुका रहता है। वो कहती है कि ठीक है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और फिर वो बता रही होती है कैसे वो ग्लेन को पसंद करती है, लेकिन ग्लेन उसे कह रहा होता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो वेरोनिका कहेगी क्योंकि वेरोनिका इसकी मास्टर रहती है वही काम ये करने वाला है। और फिर सारी बातें बोल के जा रहा होता है तब ऐश उसे रोकता है। ग्लेन उससे कहता है देखो बच्चे तुमने एक बार शहर को क्या बचा लिया, अपने आप को हीरो बिल्कुल भी मत समझो क्योंकि अभी बहुत सारे खतरे बाकी हैं, समझे तुम कुछ भी नहीं हो, हट जाओ यहाँ से। अब हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि रेबिका बता रही होती है कि बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी रहती है, सो इन सारी सिचुएशन को इन्हें संभालने के लिए बहुत ही दिक्कत की क्योंकि वेरोनिका के पीछे ये कोई पड़ी हुई रहती है जिसका नाम एवा रहता है। एवा और एना में कन्फ्यूज मत होना, दोनों दिखते सेम है और नाम भी थोड़ा थोड़ा सेम है, तो एवा और एना इसका एवा नाम रहता है जो वेरोनिका। सीन कट होता है, इधर हमें चर्च में दिखाया जाता है जहाँ पर कैसे जो सिल्विया रहती है वो आ चुकी रहती है अपने उस ग्लेन की बात मानकर यहाँ पर प्रेयर करने। और तभी हमें दिखाया जाता है जेसिका भी रहती है जो कह रही होती है कि सिल्वर नाइट से प्लीज़ मेरी दोस्ती करवा दीजिए और भी बहुत कुछ बोलती है। और सिल्विया उसे कह रही होती है कि ये सब बिल्कुल ठीक बात नहीं है, गॉड के सामने ये सब नहीं मांगा जाता है, लेकिन वो कह रही होती है कि सब चलता है सब बढ़िया है। तब तक वहाँ पर एवा आ चुकी रहती है और यही
वेरोनिका के पीछे पड़ी हुई रहती है। तो एवा ने यहाँ पर सबको पकड़ लिया रहता है क्योंकि ये रहती बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब जब सबको उसने पकड़ लिया रहता है तब यहाँ पर ये डिमांड भी कर रही होती है हमारी वेरोनिका से कि तुम अपना सर लाओ तब मैं इन सभी लोगों को छोड़ूंगी वरना कोई भी नहीं बचने वाला है। लेकिन वेरोनिका बहुत ही हाई स्टेटस की रहती है और उसका एटीट्यूड भी कुछ ज्यादा ही रहता है। उसे पता रहता है कि उसकी बहन भी वहीं पर कब्जे में है और वो सबको मार सकती है, लेकिन ये कहती है कि जाओ जिसे मारना है मार दो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो हमारा ऐश रहता है वो भी सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रही है, इसकी बहन भी है क्या, ये अपनी बहन को मरवाना चाहती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे यहाँ पर तो ये सब एक बहुत ही गहरा साजिश रहता है जहाँ पर वेरोनिका और बाकी सब लोग प्लान बना रहे होते हैं कि हमें किसी तरीके से बचाना पड़ेगा। और इस तरफ जो जेसिका रहती है कह रही होती है कि मैं काम करती हूँ, मैं खुद को नोबल बुला लेती हूँ ताकि ये सब लोग मेरे पीछे पड़ जाए। असल में इसे नोबल बनने का बड़ा शौक रहता है, तो ये कहती है कि मैं नोबल हूँ और तुम लोग मुझे पकड़ लो इन्हें छोड़ दो। तो जैसे ही एवा को पता चलता है कि ये क्या ये एक नोबल है तब वो अपने सारे सैनिकों से कहती है कि सबसे पहले तो इसे ही पकड़ो क्योंकि नोबल्स को पकड़ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। और यहाँ पर नोबल को उसने पकड़ लिया रहता है जो कि नोबल असल में रहती नहीं है। और इस तरफ ये लोग प्लानिंग बना रहे होते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से बचाना पड़ेगा क्योंकि चर्च में काफी लोग रहते हैं और हम सबको मरने नहीं दे सकते हैं, अगर मरने दिया तो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। तो हम देख रहे होते हैं कैसे हमारा ऐश जाता है उनसे नेगोशिएट करने के लिए और फिर बाकी सभी लोग पीछे के दरवाजे से घुसेंगे, यही इनका मेन प्लान रहता है। लेकिन इस वक्त तक हम देख रहे होते हैं कि कैसे जो ईको रहती है वो अपने आर्क को एक्टिवेट नहीं कर पा रही होती है जिससे काफी दिक्कत हो पा रही थी और जो हमारा ऐश था वो बहुत ही भारी मुसीबत में फंस चुका रहता है क्योंकि लगता है कि आर्क एक्टिवेट हो जाएगा तो शील्ड आ जाएगा। मगर ये बोल रही होती है कि देखो मेरा भी कोई प्लान नहीं इन सभी को परेशान करने का, असल में तो मैं यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी। तभी हमें एक बच्चा को दिखाया जाता है और इधर एना रहती है बगल में। सो जो एना रहती है वो उधर बच्चे का ख्याल रख रही थी, देखने से नहीं लगता है कि ये दोनों बहनें हैं, इन्हें पता नहीं रहता है शायद। और फिर यहाँ पर ये लोग अपना नेगोशिएशन कर रहे होते हैं कि क्या क्या बात है, लेकिन ऐश का अभी तक आर्मर एक्टिवेट नहीं हुआ रहता है और उसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि अब मेरा क्या होने वाला है। हालांकि ये बता रही होती है कि मुझे बस अपनी बहन को ढूंढना और कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है बाकी सभी लोगों के साथ क्या हो क्या नहीं हो। तभी ये जो बच्चा रहता है ये जोर से रोने लगता है और फिर सभी जा रहे होते हैं इधर एना की तरफ। तब तक हम देखते हैं कि जो हमारी सिल्विया रहती है वो देख नहीं सकती थी कि उसके रहते हुए कुछ हो जाए, तो वो बता देती है कि मैं प्रिंसेस हूँ मुझे पकड़ लो और बाकी सभी लोगों को छोड़ दो मैं असली प्रिंसेस हूँ। सब वो लोग देख रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर एक असली प्रिंसेस है। सो जो एवा रहती है कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है। तब तक यहाँ पर ग्लेन आ चुका रहता है और बाकी सारे मेंबर्स भी पूरी तरीके से तैयार रहते हैं, वो सभी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। और लास्ट में हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश रहता है ये भी अपने आर्क को एक्टिवेट कर चुका रहता है और सबको पता चल गया रहता है कि यही वो सिल्वर शील्ड वाला बंदा है। सो यहाँ पर जो जेसिका रहती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे अपनी वाइफ बना लो, लेकिन नहीं, वो जाता है यहाँ पर सिल्विया के पास और उसे कंधे पे उठाता है ले जाता है, बिल्कुल उसी लड़के की तरह जिसने इसे बहुत साल पहले कंधे पे उठाया रहता है और उसे लग रहा होता है कि यही है, लेकिन फिर वो सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैसे रविका ऐश के पास आ जाती है और कह रही होती है क्या तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहोगे, लेकिन वो साफ साफ उसे मना कर देता है। अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है कि कैसे उसे काउंसिल मेंबर से भी बाहर निकाल दिया गया रहता है क्योंकि उसकी ऐसी हरकतें रहती है। सो रविका बता रही होती है कि जो हमारी एवा रहती है उसे यहाँ पर वेरोनिका ने हायर किया हुआ रहता है क्योंकि वेरोनिका जानती थी कि उसकी बहन सिल्विया बहुत ही ज़्यादा डरपोक है और वो अपनी बहन को बस टेस्ट करना चाहती थी और कुछ भी नहीं, बस यही बात रहती है, इसलिए उसने एवा को हायर किया रहता है। हालांकि एवा अपनी बहन को ढूंढ रही होती है जिसका नाम एना रहता है और यहाँ पर एवा को भी पता चल गया रहता है कि उसकी बहन आखिर कौन है और कहाँ पर है, लेकिन अभी तक उसे एना नहीं मिली हुई रहती है क्योंकि एना उस दिन के बाद से अचानक से गायब हो चुकी रहती है क्योंकि वो लोग पकड़ नहीं पाए थे। और इधर सिल्विया बहुत ही रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वेरोनिका चली जाती है और दूसरी तरफ जो एना रहती है उसे एकेडमी में काम मिल चुका रहता है एक मेड के तौर पर, लेकिन ये किसी और के लिए काम कर रही होती है, आपको तो पता ही है। इधर रात में हम देख रहे होते हैं कैसे ईको को अजीब सा सपना आ रहा होता है जहाँ पर एक ड्रैगन रहता है और वो उसे अजीब तरीके से डरा रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डर चुकी रहती है, साथ ही साथ उसे पकड़ भी लेता है। तो अभी इस अजीब से सपने के बाद हम देख रहे होते हैं कैसे यहाँ पर जो ईको रहती है वो क्लास आने के हालत में बिल्कुल भी नहीं रहती है, इसलिए वो क्लास को एकदम मिस कर देती है उस दिन क्योंकि वो एकदम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी रहती है, इसलिए उसका मन नहीं रहता है जाने का। अब आगे दिखाया जा रहा होता है कि कैसे ये जो होता है ऐश का दोस्त रहता है जो बता रहा होता है कि स्टूडेंट काउंसिल के कुछ मेंबर्स को चुनने वाले हैं, मतलब यहाँ पर कुछ मेंबर्स चुनने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ के लिए जाने वाले हैं। तब आगे दिखाया जा रहा होता है कि कैसे जो रेबिका रहती है वो चूज़ कर रही होती है और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का नाम लेने वाले थे, हालांकि एक का नाम यहाँ पर लुका रहता है उसका नाम लिया जाता है। यहाँ पर ऐश सोच रहा होता है कि
आखिर लुका का नाम लेते ही सब लोग इतना ज्यादा घबरा क्यों गया। तब उसका साथी बता रहा होता है कि देखो जो लुका है वो जूनियर काउंसिल मेंबर से बिलोंग करती है, वो छोटी तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो रेबेका को टक्कर दे सकती है, उसके रिकॉर्ड को तोड़ भी सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बात यह है कि वो 3 महीने से क्लास अटेंड नहीं कर रही है इसीलिए। तो अब यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट का नाम लेने की बारी रहती है, तो यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट का नाम रेबेका लेने वाली रहती है। और आपको पता है वो किसका नाम लेने वाली है? वो नाम लेने वाली रहती है यहाँ पर ऐश का। और जैसे ही वो हमारे ऐश का नाम लेती है सब एकदम हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि ऐश भी खुद हैरान हो जाता है कि आखिर इसने मेरा नाम क्यों लिया, और कह रही होती है कि आखिर तुमने मेरा नाम क्यों लिया है। और फिर बाद में तो रेबेका उसे बता रही होती है कि देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि ऐश और भी ज़्यादा ताकतवर बने। और वो कह रही होती है कि तुमने इतने लोगों को बचाया है, ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तब तक यहाँ पर बिल्डिंग में आग लग चुकी रहती है, ये लोग बिल्डिंग में जाते हैं देखने के लिए। तब हमें दिखाया जाता है लुका को जो कि अपनी 3 महीनों की नींद से उठ चुकी रहती है। असल में बात ये रहती है कि जो लुका है ये छोटी बच्ची ही जैसी रहती है। सो यहाँ पर लुका और उसके ड्रैगन के बीच का तालमेल थोड़ा सा हिल चुका रहता है, इसलिए लुका इतने दिन के लिए डिप्रेशन में चली गई थी तो आराम कर रही होती है। और रेबेका बता रही होती है उन्हें सारी बातों के बारे में कि कैसे इसका जो ड्रैगन है अब इसकी बात नहीं मान रहा है, इसीलिए इसे अपने ड्रैगन को वापस से कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और जब तक ड्रैगन को कंट्रोल में नहीं लाएगी तब तक ये कॉम्पिटिशन में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं ले सकती है। सो रेबेका और बाकी सब सोच रहे होते हैं कि हमें जाना पड़ेगा उसकी मदद करने के लिए। और रेबेका बता रही होती है कैसे उसका ड्रैगन अचानक से उसकी बात नहीं मान रहा और जो काफी दिक्कत हो गई है। और इस तरफ ईको एकदम परेशान हो चुकी रहती है, वो सोच रही होती है कि मुझे उसे बता देना चाहिए इस सब के बारे में। तो ईको उसे बताती है ऐश को कि मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, हालांकि ऐश उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा होता है कि चिंता मत करो कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल तुम्हारे साइड में ही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर वो लुका को देखता है, तो यहाँ पर जो लुका रहती है वो अपने ड्रैगन से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो उसका ड्रैगन रहता है वो साफ साफ कर देता है, तो इसका दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है। ये सारी चीजें वो देख रहा होता है छुप छुप के, लेकिन लुका ने यहाँ पर हार नहीं मानी रहती है। और वो रेबेका से जाके कह रहा होता है कि हमें उसकी जाकर थोड़ी सी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो मेहनत कर रही है। रेबेका कहती है कि हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि हाँ अगर वो नहीं कर पाएगी तब हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, एकेडमी का इज्जत का सवाल रहता है ना। इसीलिए लुका दुखी तो रहती है लेकिन फिर भी वो बार बार जा रही होती है अपने ड्रैगन से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और यहाँ पर उसके साथी भी उसकी मदद कर रहे होते, हौसला दिला रहे होते, मगर जो उसका ड्रैगन रहता है फिर से उसे रिजेक्ट कर देता है, मना कर देता है एकदम साफ साफ कि वो उसका ड्रैगन नहीं बनने वाला है, जिससे उसका दिल एकदम बुरी तरीके से टूट चुका रहता है। अब ये सब चीज़ें ज़्यादा ऐश को देखी नहीं जा रही होती है कि वो ड्रैगन बार बार मना क्यों कर रहा है। तभी अपने आर्क फॉर्म में आ जाता है और फिर बात करने जाता है ड्रैगन से, लेकिन यहाँ पर जो ड्रैगन रहता है उसे अपना दुश्मन समझ बैठा रहता है, सीधे आ रहा होता है ऐश के ऊपर हमला करने के लिए। हालांकि ऐश उस ड्रैगन से ज़्यादा ताकतवर तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, और वो ड्रैगन एक बहुत ही जोरदार वार करता है हमारे ऐश के ऊपर, लेकिन गहमत रहती है कि उसका आर्मर ताकतवर तो बचा लेता है। और जैसे वो नॉर्मल फॉर्म में आता है ड्रैगन भी रुक चुका रहता है, और फिर बाकी स्टूडेंट जो रहते हैं वो ऐश की मदद करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, ड्रैगन का बिल्कुल भी मूड नहीं रहता है। सो यहाँ पर जो हमारा ऐश रहता है वो रेबेका से कह रहा होता है कि मुझे इजाज़त चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ, लुका से पर्सनल में बात करना चाहता हूँ कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, मतलब सारी चीज़ों को एकदम पर्सनल तरीके से हल करना चाहता है। तो यहाँ पर रेबेका भी उसे कह देती है कि ठीक है तुम गर्ल्स डॉर्म में जा सकते हो लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ साथ ईको भी जाएगी। ईको को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये जो इंसान है एक दूसरे की मदद क्यों करना चाहते हैं इतना, मतलब बिना मतलब कि इतना ज़्यादा मदद क्यों करना चाहते हैं, हाँ आखिर इसमें इनका क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो ऐश को मदद करनी थी इसलिए वो कहता है हाँ मैं जाऊँगा ज़रूर। और बस दोस्तों इसी के साथ हमारा पार्ट वन यहीं पे खत्म हो जाता है। देखो बात ऐसी है कि जो हमारा चैनल है वो लगभग बहुत ही ज़्यादा डाउन चला गया है, चैनल सजेशन में ही नहीं जा रहा है, तो तुम लोग का थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि तुम लोग थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि वीडियोस अगर आगे तक जाएगी ही नहीं तो वीडियो बनाने में क्या घंटा मजा आने वाला है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दो, तभी तो सजेशन में जाएगा, तभी तो इसका पार्ट टू आ पाएगा। और लाइक कर दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर दो, तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, मेरे लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखो जनवरी में बहुत सारे एनिमे आने वाले हैं, और तुम लोग को ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए मैं तुम लोग के लिए सबसे पहले एनिमे लाना चाहता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। इसीलिए थोड़ा सा दिखाओ यार, थोड़ा सा क्या बोले 100K करवा डालो, साथ ही साथ चैनल को वापस से रिवाइव करा डालो। पता नहीं चैनल थोड़ा सा नीचे क्यों चला गया, या हो सके तुम लोग का एग्ज़ाम हो, बता दो एग्ज़ाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुतों का भी एग्ज़ाम चल रहा है, बहुतों का ख़त्म होने वाला है, या फिर बहुत तो मेरे जैसे जिनका एग्ज़ाम रहता है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।